यार व्हाट, एक सेकंड फिर से बोलिए। सुनिए ना, अब ईशा जैसे कहाँ पर है, उसे किसका कंप्लेंट हुई है? उनका नाम का कंप्लेंट है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुई है, किसने की है कंप्लेंट? साहब से पूछिए। कहाँ है साहब आपके? प्लीज प्लीज काम डाउन फॉर नाउ, काम डाउन। सर जी, हमको जानना है कि कंप्लेंट किसने किया है। पता नहीं, तुम लोग इसके कौन है? ये इसके इसके क्या, इनके बोलिए ना। सर यू नो आई एम रियली सॉरी, वो क्या है ना, हम बहुत परेशान हैं। आप इसे बताएंगे कि कंप्लेंट क्या है? अरे तुम इनके लपड़े में कैसे हो? सर वो हम सब की दोस्त है। सर आप प्लीज बताएंगे कि कंप्लेंट क्या है प्लीज? मिताली को जबरदस्ती शो करवाना, जबरदस्ती पकड़ के घर पे रखना, इन शॉर्ट किडनैपिंग, मतलब अपहरण। सर हम हैं मिताली और ये कंप्लेंट झूठी है, ये हमारे भाई ने करी होगी। ओ ध्रुव तेरा भाई है? हाँ, एक नंबर का झूठा है, और ये कंप्लेंट भी झूठी है। हम अपनी मर्जी से इस शो में पार्ट ले रहे हैं, हम कोई किडनैप विडनैप नहीं हुए हैं। और आप प्लीज ईशा दीदी को छोड़ दीजिए। सॉरी मैडम, आपके दीदी को नहीं छोड़ सकते। अरे बट ये कह तो रही है कंप्लेंट झूठी है। हाँ। तो प्रूव करो, तुम ही मिताली हो, स्टेटमेंट दे देना और दीदी को लेके जाना। हाँ तो ले लीजिए स्टेटमेंट, हम दे देते हैं। क्या आप देख क्या, देर क्यों कर रहे हैं? हाँ लीजिए स्टेटमेंट, छोड़िए ना ईशा को। आप देख क्या रहे हैं? बोल आपका मूवी आया था ना अभी, वो देखा हम, अच्छा था। और अब नेक्स्ट फिल्म में पुलिस वाले का कैरेक्टर करने वाले हो? अच्छा, ये देखा, ये असली पुलिस स्टेशन, आपके फिल्मों वाला नहीं। यहाँ पे जो भी काम होता है ना, कायदे और कानून से होता है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये किसी के दबाव में आके तो नहीं बोल रही है। अगर इसका उम्र 18 साल है तो प्रूफ हाजिर करो, मतलब कैसा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। कुछ है क्या? घर पर तो जाओ लेके आओ ना। ओके सर, हम क्विकली जाके प्रूफ लेके आते हैं, ठीक है? सर सर बाहर मीडिया वाले हैं। तुम लोग ना ये तमाशा बाहर जाके करो, इधर नहीं चलेगा। अगर तुमको कंप्लेंट वापस लेनी है ना तो प्रूफ कर दो, और जो कागज लगता है वो लेके आओ, जाओ। कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा आपके पास। क्या नाम दिया? हेलो अजहर, क्या तुम पुलिस स्टेशन में हो? या अजहर, मीडिया में खबर पहुंच चुकी है, सब बाहर आ जाएंगे, कैन यू जस्ट लीव राइट नाउ? ओके ओके थैंक्स जी। ये ना निकलने का बैस वाला टाइम है जी, निकल जाते हैं। ईशा से एक बार मिल सकते हैं? नहीं। क्या नहीं बोला तो नहीं, दोबारा नहीं पूछने का। अरे बट क्यों नहीं मिल सकते हैं? आवाज नीचे, पुलिस स्टेशन है ये। जिया जी ध्यान रखो, जिया जी एक लफड़े पे दूसरा नफा फ्री हो जाना है, और इससे ना ईशा जी का नुकसान होना है, पुलिस से पंगा ना लो जी। ना लो जी, चलो जी, थैंक यू सर जी। ठीक है, आ जाएंगे ना दीदी अभी। गाइस तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रुक रहा हूं। आर यू श्योर? या आई एम डैम श्योर यार, प्लीज तुम संभल के जाओ, देख ले। ओके बाय, आप मेरे पीछे चलो, आप मेरे पीछे। ए क्या हुआ तुझे, क्यों अंदर डाला है? क्या अभी भी नहीं समझी? ड्रग्स? अरे तो बोल क्यों नहीं रही है, बैठना इधर, चल बाहर आ जा, छुट गई तो। सच्ची? यस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लव। सुनिए, मेरे लिए कोई आया था क्या? हाँ आया था आपको, कुछ आप लोग दोस्त लोग आए थे लेकिन चले गए। चले गए? हाँ एक बंदा था, देखता हूँ वहाँ पर हाई कहने। ओए, तो उसका दोस्त है ना ईशा? मतलब हाँ उनका, उसका नहीं। हाँ तो बुला रही है। अच्छा एक सेकंड, उसमें से कौन सा है? कौन सा सामने? दो मिनट, ठीक है जल्दी जाओ। हाँ एक काम करती गुरु, मैं तुम्हारे और मिताली के साथ। ना जी, आप दोनों ना वाकई में घर पे रहो, मैं और मिताली जी जाते हैं और यूं ईशा जी को ले आते हैं। ईशा जी, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बखेड़ा जी। मेरा पैन कार्ड मिल गया। चलो जी, चलो चलो। कीप अस पोस्टेड। हाँ जी। एग्जाम मतलब अदर जी। लिया सब लिया ना? हाँ जी। सब कुछ ले लिया। अच्छा अच्छा। कार्ड जी, आप ना मुझे बात करने दो प्लीज जी। नहीं नहीं मैं बात करूंगा। कार्ड जी, ईशा जी के लिए प्लीज। आप बैठ जाओ। अच्छा जल्दी कर। सर जी, वो क्या है? वो इंस्पेक्टर साहब सामने पूछे। थैंक
सर जी वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? अभी पेट्रोलिंग के लिए गए जी। कब तक आएंगे? जब पेट्रोलिंग खत्म हो जाएगी तब आएंगे। जाओ बाहर बैठो। किसी को नहीं पता कब। थैंक यू। किसी नहीं पता सर जी, मैं बात कर रहा हूँ ना सर जी। सेन के लिए कुछ बनाऊं, लेकिन क्या बनाऊं? I don't know what's happening, Mr. Khan. सेन टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। Just have this. Pasta? Yeah, just try a little. You'll feel better. Miss Sen, just turn around. Turn around. Does this help? Sen, आप tired हैं। आप थोड़ी देर के लिए लेट करनी चाहती। आप लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। You feel better. I'm telling you. मुझे नहीं सोना है, Mr. Khan. I can't sleep. Sen, सोने के लिए कौन कह रहा है? Just लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। You'll feel better. Mr. Khan, I'm very tense. Get up. यहाँ पे आराम से, आराम से। Shut your eyes. आंखें बंद कीजिए मिस सेन, आंखें बंद, आंखें बंद। I can't sleep, Mr. Khan. Mr. Khan, आप प्लीज यहाँ रुक सकते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप उधर जाके बैठिए। यहाँ बीच में क्या कर रहे हैं? उधर बैठिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? साहिल जी, आप ईशा जी के लिए ठंड रख रहे हो? शांत हो जाओ जी। अरे साहिल जी, ईशा जी के लिए मान जाओ ना। जी, आपने वो कहा था कि इंस्पेक्टर साहब पेट्रोलिंग पे गए और आ जाएंगे, आए नहीं अब तक। उनसे बात करो, पुलिस इंस्पेक्टर है, जाओ बात करो। तुम जाओ, तुम जाओ। ईशा जी का बहुत याद आता है मुझे भी। अरे सेगरे, चल सुन। सर जी, ईशा जया सिंह के केस के बारे में सबूत लाए हैं जी। वो एक मिनट, गायदोंडे, इनका क्या काम है? दोबारा बोलूंगा नहीं। चुप्पे। शिंदे साहब से कैसे? शिंदे जी ने कहा था कि आईडी प्रूफ लाने, तो हम ले आए। ठीक है, लेकिन सिंधे तो ऑफ ड्यूटी है, वो कल आएंगे तो कल तुम्हारा काम हो जाएगा। ऑफ ड्यूटी सर? अरे भाई कहा ना, ये मेरा केस नहीं है, सिंधे का केस है। कैसे सर? उन्होंने कहा था कि आईडी प्रूफ लाने सर जी। कल ये हो जाएगा आपका। ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा कल? सर जी अभी नहीं, कल आने का क्या? सर जी अभी नहीं। अभी नहीं कब नहीं यार, मतलब क्या कल भी अगर यही सेम रीजन देंगे तब क्या करेंगे? सर जी बाहर चल के बात करते हैं। अरे नहीं यार, एक सेकंड, लड़की को रात भर जेल में रखेंगे? एक मिनट, चीज है कि नहीं? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। शांत हो जाओ। तुम्हें पता है एक किडनैपिंग का चार्ज लगा हुआ है, और एक रात नहीं, कम से कम 10 रात रख सकता है, समझा? ऐसे कैसे रख सकते हो यार आप, मतलब प्रूफ तो है। एक गायदोंडे, खड़े रहना बाहर। सर प्लीज एक बार मिलने दीजिए ना। तुम कौन? हम ही मिताली है, हमारे भाई ने झूठी कंप्लेंट करवाई है। तुम्हारे भाई ने कंप्लेंट की है? क्यों, हम क्या करते हो? मिताली जी, सर जी हम कल आ जाते हैं शिंदे जी से मिलने। थैंक यू सर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ना इनको गलती से भी मत कहिएगा कि आप बाहर वाली डांसर हैं। एक मिनट, मिताली तुम इधर आओ। मिताली जी आप जाइए उधर। क्या काम करती हो तुम? ए, गाली क्या दे रहे
निकल नहीं तो मिताली फंस जाएगी। अबे निकल करो। ताली देगा इधर। क्या? चलो जी, चलो, चलो, चलो। ताली देगा तू। ताली देगा तू। ताली देगा। ताली देगा। ताली दे रहा है ना वो मेरे को। क्या हो रहा है सब ये? ए, तू अंदर डालो। चल। अंदर डाल। अरे क्या हुआ? हम इसे भाग के क्यों आ गए? अगर उनको पता लग जाता ना कि आप बाहर वाले डांसर हो जी, तो रायता फैल जाना था जी। अब क्या होगा? कुछ नहीं, साहिर जी अंदर जाएंगे जेल में और वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है जी। साहिर जी अंदर जाएंगे और अब थैंक यू गॉड बोल रहे हो? कम से कम ईशा जी के साथ पूरी रात कोई रहेगा तो, अगर साहिर जी अंदर होंगे। ये बात भी ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं, कल सवेरे ईशा जी को लेने हम खुद आएंगे। चलो जी। जी अम्मी। अम्मी क्या हुआ? असर बेटा बस थोड़ी तबीयत खराब है, अब जल्दी घर आ जाइए। अम्मी तबीयत खराब कैसे? कुछ नहीं बेटा, बस आप जल्दी घर आ जाइए। अम्मी हम थोड़ी देर में आते हैं। मिस्टर खान आप कहाँ जा रहे हैं? मिस सेन, अम्मी इज नॉट वेल। ओह माय गॉड, क्या हुआ? सॉरी मिस सेन, मैं आपको इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। चल अंदर। हो रहा हूँ पूछ रहा था, अंदर आएगा ना, सब ठिकाने पे आएगा। साहिर बताओ मुझे, सम ड्रंक ओ स्मार्ट बन रहा था, सो तुमने उसे मारा। कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फाइट करने के लिए थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू आज उसे मारने के लिए। अम्मी अम्मी आपकी तबीयत कैसी है अब? अगर आपको देख लिया अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारा बेटा आज भी अपनी अम्मी के लिए सारा काम छोड़कर हाजिर हो जाता है। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? बस दिल को तसल्ली है कि आपके लिए आपकी अम्मी अहम है, और ना कि वो